हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बाइक में शॉक एब्जॉर्बर ऑयल चेंज किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जाएगा। शॉक एब्जॉर्बर ऑयल कब चेंज करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर ऑयल कैसे चेंज किया जाता है वो ही दिखाऊंगा। फ्रंट में दो पाइप देखने को मिलता है, इनको फोर्क पाइप भी कहा जाता है। ये दोनों पाइप के अंदर ऑयल रहता है। आज इस ऑयल को चेंज किया जाएगा, तो इसके लिए दोनों पाइप को पहले निकालना होगा। ये पल्सर 150 BS4 बाइक है, 2018 का मॉडल है ये। दोस्तों, आप देख सकते हैं फोर्क पाइप को निकालने के लिए सबसे पहले तो व्हील को निकाल लिया है, उसके बाद जो फ्रंट ब्रेक का डिस्क के लिपर है उसको भी निकाला गया है। अभी दोनों साइड में चार बोल्ट है, इनको लूज किया जा रहा है और उसके बाद ये दोनों पाइप आराम से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों बोल्ट को लूज करने के बाद दोनों फोर्क पाइप आराम से बाहर आ गया है। अभी दोनों फोर्क पाइप से बोल्ट को निकाला जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फोर्क ऑयल आपको टाइम और किलोमीटर का हिसाब से चेंज करना चाहिए। आप बाइक ज़्यादा नहीं चलाते हो तो आपको 1 ईयर में एक बार चेंज करना ही चाहिए, और ज़्यादा चलाते हो तो एवरी 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर का बीच में चेंज करना चाहिए। ये पल्सर 150 के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा और स्मूथ राइडिंग के लिए फोर्क ऑयल चेंज करना बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑयल कितना डार्टी हो गया है और इसका जो लुब्रिसिटी है वो भी कम हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये बाइक कितना किलोमीटर चल चुकी है। अभी पेट्रोल के मदद से दोनों स्प्रिंग को अच्छा तरीके से क्लीन किया जाएगा। क्लीन करने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सब कुछ क्लीन करने के बाद अभी फोर्क पाइप के अंदर ऑयल डाला जाएगा। इसमें वैक्स पोल का शॉक एब्जॉर्बर ऑयल यूज़ किया जाएगा। ये 175 ml का बोतल है। इस बाइक के लिए दो बोतल चाहिए। 175 ml का बोतल 75 rupees में मिल जाता है, और पल्सर 150 सिंगल डिस्क बाइक में दोनों पाइप के लिए 130 ml करके ऑयल चाहिए, यानी दोनों मिला के टोटल 260 ml ऑयल चाहिए। दोस्तों, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी है तो आप वीडियो का नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो अपलोड करने से तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।